गुड आफ्टरनून बच्चों, दिस इज़ क्लास 4-1। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग सोशल स्टडी में चैप्टर 4 पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक क्या है आज का? चिल्ड्रेन हेल्प देयर फैमिली। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बच्चे को अपने फैमिली की सहायता करनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं नीचे क्या बोल रहे हैं। गुड एज चिल्ड्रेन पार्ट ऑफ द फैमिली। चिल्ड्रेन पार्ट ऑफ द फैमिली मतलब बच्चों एक क्या है? परिवार का एक भाग है, ठीक है। चिल्ड्रेन आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली। चिल्ड्रेन परिवार का एक भाग है। पेरेंट्स डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर देयर चिल्ड्रेन। एक पेरेंट्स माता पिता अपने बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। दे वर्क हार्ड टू मेक द फैमिली हैप्पी। परिवार को खुश करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चिल्ड्रेन शुड ऑल्सो हेल्प एंड ओबे देयर पेरेंट्स। बच्चों को भी अपने माता पिता की मदद और आज्ञा माननी चाहिए, ठीक है। बच्चों क्या बोल रहा है? बच्चों को भी अपने माता पिता की आज्ञा को मानना चाहिए। हाउ कैन चिल्ड्रेन हेल्प देयर फैमिली। बच्चों अपनी फैमिली का मदद कैसे कर सकता है वो देखेंगे अब। चिल्ड्रेन कैन डू मेनी स्मॉल थिंग टू मेक पेरेंट्स हैप्पी। बच्चे क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे कार्य में अपने माता पिता का वो सहायता कर सकता है ताकि उनकी फैमिली खुश हो जाए। टू मेक पेरेंट्स हैप्पी, देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है। ईशान हेल्प्स हिज फादर टू क्लीन हिज कार। ईशान अपने पिता का हेल्प कर रहा है किसे? कार को क्लीन करने में। आप भी ये सब वर्ड अपने फैमिली के साथ मिलकर कीजिएगा। ईशान हेल्प हिज फादर टू क्लीन हिज कार। दे हेल्प इन फीडिंग द पेट एट होम। वे घर पर पालतू जानवरों को खिलाने में मदद कर सकते हैं। दे हेल्प इन फीडिंग द पेट एट होम। दे हेल्प टू कीप द हाउस नीट एंड क्लीन। वे घर की साफ सुथरा एंड घर को क्लीन करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। इशिता हेल्प हर मदर्स टू लुक आफ्टर द गेस्ट। इशिता अपनी माँ को मेहमान की देखभाल में मदद करती है। इशिता जो है अपनी माँ की मदद कर रही है कैसे? गेस्ट को अटेंड करने में। सी हेल्प हर मदर टू सर्व देम फूड एंड ड्रिंक। ये क्या इशिता अपनी माँ की हेल्प कैसे कर रही है? यहाँ पे जो गेस्ट है उसे अपनी माँ की मदद कैसे कर रही है? फूड भोजन और ड्रिंक गेस्ट को सर्वाइव करके, ठीक है बच्चों। ईशान हेल्प हिज फादर टू वाटर द प्लांट्स। ईशान जो है अपने पिता का सहायता कर रहा है कैसे? फूल में पौधों में पानी देकर। ईशान अपने पिता का यहाँ पे अपना मदद कर रहा है कैसे? पौधे में पानी देकर। ही ऑल्सो पोस्ट द लेटर फॉर हिम। उन्होंने उसके लिए पत्र भी पोस्ट किए, ठीक है बच्चों। ईशिता एंड ईशान लव देयर पेरेंट्स अ लॉट। ईशिता और ईशान अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। दे रिस्पेक्ट एंड ओबे देयर पेरेंट्स। वे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और उनका पालन करते हैं। तो बच्चों आप भी इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखे होंगे। अपनी फैमिली को कैसे हेल्प करना है, किस छोटे छोटे कार्य को करने में आप अपनी फैमिली का हेल्प कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम इसका MCQ क्वेश्चन आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप भी एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा एंड समझिएगा इसको। बाय बच्चों।